अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक हमेशा आपको खुश और आबाद रखें, आमीन। चलें जी, आपके साथ आज जो मैं वजीफ़ा लेके आई हूँ वो आज मैंने खुद देखा है, तो इसीलिए मैंने कहा कि आपके साथ मैं भी शेयर करती हूँ। मैंने एक वजीफ़ा पढ़ा जो कि बहुत ज़्यादा ही प्यारा है। ये वजीफ़ा भी आपने 12 रबीउल अव्वल के दिन ही करना है। सारा साल खुश रहेंगे, आबाद रहेंगे। आपने बहुत आसान सा वजीफा करना है। सबसे पहले बात जी, आपने यकीन से करना है, और दूसरा चाहूँगी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, मेरी वीडियो का एंड तक वॉच कीजिएगा। अगर आपको पसंद आए तो उसको लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा। बहुत मेहनत से वीडियो बनती है, बहुत मेहनत से आपके साथ जो है वो गुफ्तगू की जाती है, बहुत मुश्किल से टाइम निकलता है और निकाला जाता है। आपको जी मैं वजीफा जो बता रही हूँ उसको नोट कर लें, अपने हाथ में कॉपी और पेंसिल पकड़ लें। ये आपने 7-7 बार सबका व्रत करना है। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम का व्रत आपने 7 मरतबा करना है। फिर आपने या अल्लाह 7 मरतबा, या रहमान 7 मरतबा, या रहीम 7 मरतबा, या हन्नान 7 मरतबा, या मन्नान 7 मरतबा, या दयान 7 मरतबा। 7-7 मरतबा आपने इनका व्रत करना है। और सबसे पहले आपने दुरूद पाक ज़रूर पढ़ लेना है। ये जी हर वज़ीफ़े से पहले ज़रूर पढ़ा करेंगे, वो बहुत ज़रूरी है ये हर वजीफे से पहले। चलिए जी, ये था आपके साथ प्यारा सा वजीफा, खुश रहने का। आपको सारा साल खुशियाँ नसीब होंगी। ये दुआ मांगनी है आपने फिर अल्लाह ताला से, जो भी आपके अंदर हो, आप खुशी हो, वो अल्लाह पाक से दुआ कीजिए, अल्लाह पाक ज़रूर बोलो मंजूर फरमाएंगे। अपना जी बहुत ज़्यादा ख्याल रखा करें, हमारे अपनों को हमारी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और मुझे दुआओं में याद रखिएगा, मैं आपको दुआओं में याद रखूंगी। दुआओं का जो लेन देन है वो जारी रहेगा। अल्लाह हाफिज़।